गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज देख सकते हैं लाइनअप कितना तगड़ा है यार। तो भाई अपनी 300 पे इधर खड़ी है यार BMW S1000 RR, उधर R15 और इधर एक पूसा हार्ले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो भाई आज राइड होने वाली है बहुत खतरनाक, क्योंकि आज है हमारा थोड़ा सा लंबा रास्ता और टाइम हो रहा है 5:58। और भाई पता नहीं क्या एरर आ रहा है, आज जब भी सुबह में स्टार्ट करता हूँ जल्दी तो ये एरर आ जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ये भाई से पूछना पड़ेगा, दाऊद भाई से क्या दिक्कत आ रही है। वैसे इतनी बड़ी कोई इशू है नहीं, उन्होंने मेरे को बताया था पहले भी। तो भाई आप लाइन अप देख सकते हो यार, आज 300 है इधर हयाबुसा। भाई यार दाऊद भाई सब लेंगे और भाई मजा आने वाला आज के राइड पे। भाई पहली बार तो गाइस राइड को एंजॉय करो यार, आई होप सबके यहाँ पे सब ठीक होंगे। और भाई दुआओं में याद रखना, क्योंकि भाई दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दाऊद भाई पूरा इंडिकेशन देख रहे हैं कैसे कैसे वीडियो बनानी है, क्या क्या करना है। उधर हमारे जा रहे हैं भाई साहब S1000 RR, अनबीटेबल भूसा। तो भाई हम निकलेंगे सरायकाले खां से होते हुए और आज का प्लान है सीधा सोनीपत। बहुत लंबी राइड होने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स। और साले फ्यूल्स अब हैं सब गाड़ियों में। ओ भाई साहब, गजब भाई साहब, मौज आ गई। लाइनअप निकल रहा है यार, भाई मोटर जी भी बना रखा है यार इंडियन सड़कों पे। कम से कम 10 सुपर बाइक से भाई आज दाऊद भाई की आवाज ही अलग आ जाती है, कितनी तेज भगा रहे हैं यार। भाई लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में शायद आपको दिक्कत आ रही हो, और मतलब मैंने काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि भाई
व्लॉग ओपन नहीं हो रहा है, खाली लोडिंग हो रहा है। तो भाई लोग आप अपना YouTube एप्लीकेशन अपडेट कर लो, क्योंकि वो वीडियो 4K में है तो शायद इस वजह से ज़्यादा लोड ले रही है, वो वहाँ पे जाके चल जाएगी। आप एक बार अपडेट कर लो प्लीज़, ठीक है। और भाई ये देख रहे हो रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो, यार स्कूटी भाई। भाई ट्रैफिक देख रहे हो यार, सुबह 6 बजे भी कितना ट्रैफिक है। मैं दिल्ली का भी बंदी नहीं होती यार, इस ट्रैफिक से कभी निजात नहीं मिलेगी इस दिल्ली में रह के। लेकिन रोड ऐसा आने वाला है ना, सोनीपत वाला रोड बहुत ओके है। भाई इसका पता नहीं चलता यार कब कितनी पहुंच जाती है। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो देखी ना, तो मेरे को यही नहीं पता चला कि यार वो कितनी, मतलब 150 कब पहुंच गई। सीरियसली इस मशीन पे बैठ के ना ये पता नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो। जब आपके पूरे राइडिंग गियर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो ना, तो आपको स्पीड का पता ही नहीं लगेगा। वो जब आप मीटर में देखोगे ना, तो आपको तब पता लगने वाला है कि भाई बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है। भाई इट्स अनबिलीवेबल सीरियसली। गाइस देख रहे हो आप कितना खतरनाक मोड है, पूरा 90 डिग्री। अब यहाँ से जो सूतेंगे ना बाइक है, भाई भी पूरी भाग रही है। पूरा रोड खाली है यार। अब भाई दिल्ली में हो चुकी है सर्दी स्टार्ट, भाई ठंड लग रही है आज और मैंने ग्लव्स नहीं पहने। जल्दी जल्दी मैं भूल गया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, सारे लोग रेडी खड़े हुए थे। ये बात जान ZX10R
खींचने का अपना अलग ही मजा है, बट ट्रैफिक में नहीं। भाई बहुत ओके बाइक चलाते हैं यार दाऊद भाई। यार देख रहे हो ट्रैफिक यार, इतनी सुबह सुबह इतना ट्रैफिक। देख रहे हो मैं तो चूतिया है ट्रक वाले, भाई साहब दाऊद भाई की बिल्ली देखो कितनी लंबी बिल्ली मारी है। मेरी बाइक ही बंद कर गए यार, अब मैं इनकी बाइक बंद कर दूं? क्या बोलते हो, क्या बोलती है जनता? सिग्नल ग्रीन हो गया वरना बंद कर देता, इतने पहुंच भी नहीं पाया मैं। एक्सीडेंट हो गया हमारी, तो वो ना तो चलने की कंडीशन में है ना थोड़ी सी आगे हो रही है, और वहाँ से टो करानी पड़ेगी इसको। भाई बता रहे हैं पीछे काउल वगैरह टूट गया, बस वाले ने टक्कर मार दिया, तो उनको घर निकलवाते हैं और हम सीधे निकलते हैं अपना मूर्थल की तरफ। और ये देख सकते हो गाइस, लाइनअप चेक करो यार, ये देखो हायाबुसा इधर खड़ी हुई है, और इधर S1000RR, और ये ZX10R ब्लैक, और ये
ZX9000R15 और ये वो बाइक है ZX10R जो मैं लेने के लिए बोल रहा था, बट हमने ली है Z900 और ये 750 स्पीड और ये आ गई है दाऊद भाई की हायाबुसा। तो हम सीधे निकलते हैं यार अब मूर्तल की तरफ। चलो भैया स्टार्ट कर लो। कोई नहीं कोई नहीं, निकलते सीधे देख रहे हो पब्लिक का रिएक्शन। गाइस पब्लिक रिएक्शन चेक करो यार। सबको हिफाजत में रखे भाई। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई उनको चोट नहीं आई है बिल्कुल भी। ही सेफ, बट बाइक में काफी नुकसान हो गया है। मौसम बेहतरीन हो रहा है लेकिन यार अब आएगा असली मजा राइड करने का। देख रहे हो भाई ZX10R करो गाइस। देख रहे हो भाई इंडियन रोड्स पे ये होता है। देख रहे हो कहाँ रखा है ये कोई ना कोई रिफ्लेक्टर है ना कुछ है। फिर गलती हो जाती है गाड़ी वालों की बाइक वालों की कि भाई तेज चलाते हैं ये करते हैं। ये बाइक लेडी गर्ल FZ पर भाई है ना। भाई कंट्रोल ही नहीं हुई। हाँ हाँ ए भाई हाँ वो स्लाइडर उससे ही बचा है क्रैश गार्ड से। बाइक आई है मेरे को बोल रहे हैं कुछ ऐसे मुझे लगा कुछ गिर गया। आगे पीछे तो काम है मुझे लगा कुछ गिर गया मैंने कहा कुछ नहीं है फिर
नहीं गिरे नहीं है वही खड़े हैं सबसे आगे। भाई खलेश हो रहे हैं यार, तो राइड करनी पड़ेगी यहीं पे कैंसिल। सब लोग आ चुके हैं तो राइड हम कैंसिल कर देते हैं अब, क्योंकि दाऊद भाई भी बोल रहे हैं, बाकी सब लोग भी यही बोल रहे हैं कि भाई कलेश हो रहे हैं। ऑलरेडी इंडिकेशन पहले मिल चुकी है कि एक ऑलरेडी गाड़ी क्रैश हो चुकी है हमारी, तो हम सीधे निकलेंगे अब घर की तरफ। कहीं चाय तो पी ले, लेकिन चाय तो पियोगे नवीन भाई? इस रोड पे यू टर्न भी तो नहीं है, तभी तो मैंने कहा रॉन्ग साइड जाना। अरे आधा किलोमीटर यू टर्न है, इसे खोल दूं मैं? हाँ नहीं नहीं छोड़ दो, पूरी फेयरिंग बाहर आ जाएगी उससे। अच्छा कुछ मत बोलो, जब चले मुड़ता नहीं, क्यों मूड खराब कर रहे हो? एक जैसे बड़ी दिक्कत है आगे चलने के साथ में। हाँ आप एक मेन चीज ये है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है वरना सब साथ ही चल रहे होते। क्योंकि मैं बार बार स्लो कर लेता हूँ देखने के लिए, सब साथ आ रहे हैं। मुझे वो भी नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसे, कॉन्फिडेंस चलाने का। तो वह लगने का वादा आज चलते हैं। चलो अभी स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करके हल करके चलेंगे। आराम मुर्दल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, हाँ आराम आराम, 100 पे चलो बस। एक स्ट्रेच ले लिया करेंगे फिर स्लो कर, कॉन्फिडेंट 100 पे चलते हैं बस, बस खत्म, सब बराबर रहेंगे। सुखदेव पे ये रुकते हैं हम, सीधे आराम से चलेंगे। अरे हमारी बाइक ले जाओगे, उठा के चलो सब चाहिए ना। वैसे ही इस रोड पे ट्रक बहुत है भाई, ही राइड कैंसिल नहीं हुई है। भाई ने खुद बोल दिया कि यार चलो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड मेंटेन करके चलेंगे सारे के सारे। और ये पता नहीं क्या यार मेरे पे क्या इश्यू आ रहा है यार, ये बताओ यार कैसे जाता है, नहीं कंपनी लेके जानी पड़ेगी भाई ये। लेकिन ये दिक्कत देखी है मैंने हमेशा, ये चीज़ ना मेरे स्टार्टिंग में ही आती है, जब ज़्यादा सुबह में स्टार्ट करता हूँ तब ये प्रॉब्लम आती है, मैं फेस करता हूँ इस चीज़ को। पता नहीं क्या दिक्कत है यार ये, फिर भी यार अभी काफ़ी लंबी राइड है, 70 किलोमीटर बाकी है अभी। दाऊद भाई कम से कम अभी 50-60 किलोमीटर और बाकी है ना? 50-60 किलोमीटर कहाँ है भाई? भाई अभी 34 किलोमीटर चले हैं हम बस। 34 किलोमीटर चले ना, तो 30 मान के चलो बस भाई। खैर हो गई, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैंने सबसे पहले पूछा बंदा सही है, बिना बंदे के लिए बाइक बाइक लग गई है। नहीं बाइक ही लगी है, बहुत आगे निकल गया था वापस आया, मतलब बहुत स्लो चल रहे। दाऊद भाई स्लो चलते हैं बहुत। अरे यार मेरे पीछे 3-4 बाइकें चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ना। अब मैं हमेशा आपके पीछे रहता हूँ, लेकिन आज सबसे पीछे नहीं, जब यहाँ पे रुके ना मैंने देख लिया था बहुत शार्प टर्न है, मैंने पहले देखा था बहुत शार्प टर्न है, मैंने ज्यादा स्पीड पे ली नहीं बाइक, बच गई वरना पूरी फेयरिंग चली जाती। हाँ पूरी फेयरिंग जाती, गिरी थोड़ी बाइक खड़ी रह गई है ना, उसमें रगड़ के इधर इन्होंने देख लिया ब्रेक मार के। चलो कोई नहीं, ऊपर वाले का करम हो गया। सही बात है भाई, लोग नाम लो पर हादसा हो, छोटा हो गया हूं, ये हो सकता है। हां भाई, हां भाई अल्लाह की बेहतरी है इसमें भी, अच्छा काम करे उससे टल गया हूं, किचन भी तो सबक ले गया। हां ये रोज की गर्लफ्रेंड बदलते हो ना, इसलिए टूटी है भाई मेरा भैया वो भी है, लग गई किसी लड़की की भैया वो भी। हाय कहां है मेरा नवीन? चलो देख रहे हो यार ये ट्रक वाले कितने तेज चला रहे हैं यार, वो भी ऐसे टर्न पे, समझ से बाहर है भाई बात। क्यों मैं तो एक नंबर चल रहा है,
भाई सारे लोग बाइक ले आए थे अपनी रॉन्ग साइड ही। पता नहीं आज क्या हो रहा है यार, मैं तो भाई हल्के हल्के चलता हूँ, बाकी अल्लाह के हाथ में। और उससे पहले मैं बात ही कर रहा था एक्सीडेंट होने से पहले कि यार बस सब सेफ रहे, सही रहे यार। ये देखो ड्रिंक एंड ड्राइव, नो गाया भी हो गया। इधर तो और ज्यादा ठंड है यार।
दाऊद भाई, दाऊद भाई आवाज नहीं आएंगे भाई। की स्पीड को बोल के देख रहे हो, अभी मेरी बाइक ही अप्रोक्सीमेटली 180 थी, 180 185 के आसपास, और दाऊद भाई बोल रहे हैं कि 100 पे चलेंगे। नहीं भाई, अपन चलेंगे आराम से, वहाँ रोड खाली था इसलिए थोड़ी सी भगा ली। भाई ट्रक वाले एक लेन में क्यों नहीं चलते, समझ में बात नहीं आती यार। ये पूरा रोड ऐसे मतलब दबा के चलते हैं ना यार, समझ में नहीं आता। पता नहीं इनका बाप का रोड है क्या, कोई और चलना ही नहीं चाहिए रोड पे। सीरियसली यार, देख रहे हो इनकी लेन है या नहीं है, समझ में नहीं आता भाई। कोई रूल्स कुछ नहीं। वो देखो सामने जबरदस्ती उसके ट्रक बस वाले के आगे काट के खड़ी कर दी उसने। क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है फिर खींचेंगे। बहुत बुरी खींचते हैं आप, मैंने अब इतना ही बोला था अब देखो होने वाला है कुछ, और इतने में दाऊद भाई ने बाइक खींच दी।
चेंज लगाने पे लगे हुए हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी से मिलता हूँ नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।